सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर नवोदय स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं अयंत बुक का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगी। लेट्स बिगिन। अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखने हैं तो उसके लिए आपको 1 to 40 तक सभी के सभी स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 1 है तो उसके स्क्वायर में 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 4 है तो उसके स्क्वायर में या फिर तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 9 है तो उसके स्क्वायर में या फिर तो 3 होगा या फिर 7 होगा। डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेस्ट टू द पावर ऑफ 2। एग्जांपल 2 × 2 इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर 2। 4 × 4 4 रेस्ट पावर 2। परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेशन। अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल 4 × 4
डिजिट अलग कर लेंगे 25। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 हो तो उसके स्क्वायर में 5 ही आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5। अब मुझे 25 को नहीं देखना है, अब मुझे 42 को देखना है। अब मुझे पता करना है कि 42 किस स्क्वायर के बीच में आता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 42 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो मुझे इसमें से छोटी डिजिट लेनी है 6। यहाँ पे मैं 6 को लिख दूंगी एज इट इज, तो मेरा आंसर हुआ 65। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 5329। तो हमें इसकी लास्ट डिजिट 29 को देखना है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 9 आता है तो उसके स्क्वायर में या फिर तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो अब हमें 29 को नहीं देखना, अब हमें 53 को देखना है। तो अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है कि 53 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में 53 आता है। तो हमें क्या करना है, छोटे वाली डिजिट लेनी है 7, तो 7 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है 73 एंड 77, इसमें से 5329 किसका स्क्वायर रूट है, तो उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 इंटू में 8 कर देंगे। 7 इंटू में 8 इक्वल्स टू 56। अब 53 छोटा नंबर है और 56 बड़ा नंबर है, तो अगर ऊपर छोटा नंबर है तो मैं छोटे वाले डिजिट लूंगी, तो 73 इज माय आंसर। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 18769। इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसकी टू डिजिट अलग कर लूंगी 69। तो मैंने आपको बताया था किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 9 आ जाए तो इसके स्क्वायर में या फिर तो 3 आएगा या फिर तो 7 आएगा। अब हमें 69 को नहीं देखना, अब हमें 187 को देखना। अब हमें पता करना है कि 187 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 187 इसके बीच में आता है। तो हमें क्या करना है, छोटी डिजिट लेनी है 13। तो मेरे पास दो ऑप्शन है 133 एंड 137, इसमें मुझे एक ऑप्शन लेना है, तो उसमें मैं क्या करूंगी 13 इंटू में 14 कर दूंगी। 13 इंटू में 14 इक्वल टू 182। अब 187 बड़ा नंबर है और 182 छोटा नंबर है, अगर ऊपर बड़ा नंबर है तो मैं बड़ी वाली डिजिट लूंगी, सो 137 इज माय आंसर। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 151321। तो इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसकी लास्ट डिजिट अलग कर लूंगी 1। तो मैंने आपको बताया था किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 1 है तो उसके स्क्वायर में या फिर तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब 21 को हम नहीं देखते, अब हम देखेंगे 1513 को। तो 1513 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 38 का स्क्वायर होता है 1444 और 39 का स्क्वायर होता है 1521 और 1513 इसके बीच में आता है। तो हमें क्या करना है, छोटी डिजिट लेंगे 38, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 38। तो मेरे पास दो ऑप्शन है 381 या फिर 389, उसमें से मुझे एक ऑप्शन लेना है, तो मैं क्या करूंगी 38 इंटू में 39 कर दूंगी। 38 इंटू में 39 1482, तो 1513 बड़ा नंबर है और 1482 छोटा नंबर है, तो हमें बड़ी डिजिट लेनी है, सो 389 इज माय आंसर। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज अंडर रूट
36 इक्वल टू 5 बाय 8 ऑफ 320. अंडर रूट इंटरोगेटिव साइन प्लस में 136 इक्वल्स टू 5 बाय 8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 320. अंडर रूट इंटरोगेटिव साइन प्लस 136 इक्वल टू 5 बाय 8 इंटू में 320. 8 इंटू में 40 इक्वल्स टू 320. अंडर रूट इंटरोगेटिव साइन प्लस 136 इक्वल टू 5 इंटू में 40. अंडर रूट इंटरोगेटिव साइन इक्वल टू 5 इंटू में 40 200 माइनस 136. यहाँ पे जो लिखा है प्लस 136 इसको मैं माइनस कर दूंगी माइनस 136. अंडर रूट इंटरोगेटिव साइन इक्वल टू 200 माइनस 136 इक्वल्स टू 64. अंडर रूट सॉरी इंटरोगेटिव साइन इक्वल टू अंडर रूट 64. अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 64 का स्क्वायर निकालूंगी. तो 64 का स्क्वायर होगा 4096. सो 4069 ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर. मैंने स्क्वायर्स की पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस उन 2 वीडियोस को देख सकते हो. तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा. तो क्वेश्चन था मेरा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल आर्मी कमांड, इसका आंसर है लखनऊ. तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन है मेरा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड, इसका आंसर है मुंबई. तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ. क्वेश्चन है मेरा द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड. अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेगा. अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. जय हिंद जय भारत.